आगरा के पूर्व बहुजन समाज पार्टी विधायक और बड़े मीट कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो की एचएमए कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग ने 4 दिन तक छापा मारा। भुट्टो ने आईटी के सामने 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय स्वीकारी है। आईटी ने मीट कारोबारी के 12 शहरों में 35 ठिकानों पर 35 टीमों ने लगातार 85 घंटे तक जांच की। वहीं आगरा में यह अब तक की सबसे बड़ी सरेंडर राशि है। भुट्टो की एचएमए कंपनी और घर पर 5 नवंबर सुबह 9 बजे आईटी विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 12 शहरों में ग्रुप के 35 ठिकानों पर एक साथ सर्च की गई थी। 5 नवंबर से सर्च लगातार जारी थी। इस सर्च ऑपरेशन में इनकम टैक्स की टीमों को कोई वित्तीय अनियमितताएं नहीं मिली थी। ऐसे में माना जा रहा था कि आईटी को टैक्स चोरी में बड़ी कामयाबी मिलेगी। लगातार 85 घंटे तक चली कार्यवाही मंगलवार शाम को समाप्त हुई थी। वहीं आईटी के सूत्रों का कहना है कि एचएमए ग्रुप की ओर से 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय स्वीकारी गई है। इनकम टैक्स विभाग अब तक का सबसे बड़ा टैक्स वसूलेगा। वही एचएमए ग्रुप फ्रोजन मीट के कारोबार में देश में तीसरे नंबर की कंपनी मानी जाती है। कंपनी का विश्व के 40 देशों में मीट का निर्यात है। ग्रुप का सालाना टर्नओवर करीब 2000 करोड़ रुपए का है। जांच में सामने आया था कि इतना टर्नओवर होने के बावजूद भी ग्रुप का मुनाफा कम था। पूर्व विधायक भुट्टो की कंपनी में काम करने वाले मंटोला निवासी इसरार के खाते में करोड़ों रुपए मिले थे, जबकि खाता संचालक की आर्थिक स्थिति चौंकाने वाली थी। जांच टीम का मानना है कि इसरार की तरह और भी कई कर्मचारी हो सकते हैं जिनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए गए हैं। इन खातों से भैंस सप्लाई के नाम पर करोड़ों का भुगतान होता है। इन खातों में जो भी धनराशि ट्रांसफर हुई है उसे नकद ही निकाल लिया गया था। वहीं जांच के बाद सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक और उनके स्टॉलर हाउस पर कमिश्नरी गार्ड तैनात होने की बात भी सामने आई थी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक के साथ उनके निजी गार्ड भी तैनात हैं। उनके कमिश्नरी होने की बात कही गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मोबाइल के स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए थे। ये स्क्रीनशॉट पूर्व विधायक के परिवार वालों के बताए गए हैं। इसमें पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से बात होने की बात कही गई है, हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।